हेलो बच्चों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है बच्चों आज हम आपके लिए एन एस दो हज़ार चौबीस के अभ्यास प्रश्न लेके आए हैं और किस कक्षा के लिए कक्षा तीसरी के हेतु है और सप्ताह कौन सा रहेगा तेरवा सप्ताह रहेगा तो चलिए देखते हैं एन एस दो हजार चौबीस सर्वे हेतु छात्रों के नियमित अभ्यास की शिकायत विस्तृत कार्य योजना कक्षा तीसरी हेतु और ये आपका कौन सा सप्ताह है सप्ताह तेरह ये सप्ताह तेरह कब से कब तक है दिनांक तेईस से दिनांक अट्ठाईस तक यानी तेईस सितंबर से अट्ठाईस सितंबर तक आपको इस सप्ताह तेरहवें सप्ताह के जो प्रश्न दिए हैं उन प्रश्नों को हल करना है और इस इन प्रश्नों को प्रथम और द्वितीय जो कालखंड रहेगा उस कालखंड में आपको पूरा करना है और जैसे सप्ताह का पहला दिन आपका सोमवार रहेगा तो सोमवार एवं मंगलवार को विषय क्या रहेगा हिंदी सोमवार और मंगलवार के दिन आपको जो एन के अभ्यास प्रश्न करना है वह हिंदी के करना है और कौन से प्रश्न करना है इसका पद्यांश चार जिसके पाँच प्रश्न दिए हैं और गद्यांश चार जिसके पाँच प्रश्न दिए इन प्रश्नों को आपको हल करना है तो ये आपका सोमवार मंगल का हो गया उसी उसके बाद आपका बुधवार और गुरुवार के दिन आपको गणित पे अभ्यास करना है और गणित के कौन से प्रश्न रहेंगे आपके प्रश्न क्रमांक आठ चौदह चौबीस एक सौ इकसठ एक सौ सड़सठ एक सौ अड़सठ एक सौ चालीस एक सौ उनचास एक सौ सत्रह एक सौ इक्कीस इसके बाद आपका नेक्स्ट रहेगा आपका दिन कौन सा रहेगा शुक्रवार एवं शनिवार इसमें आपको पर्यावरण अध्ययन के प्रश्नों को हल करना है इस पे इस कार्य योजना पर कार्य करना है इसके प्रश्न क्या रहेगा उन्यासी अट्ठासी एक सौ तीन एक सौ चार एक सौ छः एक सौ सात एक सौ इक्कीस एक सौ बयालीस एक सौ बावन एक सौ पचपन तो ये आपकी पूरी सप्ताह की तैयारी हो गई कि आपको एन एस पे पूरे सप्ताह में किस दिन किस विषय पर कार्य करना है सोमवार मंगल को हिंदी में बुधवार और गुरुवार को गणित पे उसके बाद शुक्रवार और शनिवार पर्यावरण अध्ययन और उसके किस किस प्रश्न को करना है ये प्रश्न दिए अब ये प्रश्न आपको कहाँ मिलेंगे जो राज्य शासन द्वारा जारी की गई ओलंपियड बुक है उस बुकों में ये प्रश्न प्रश्न दिए गए हैं और इन प्रश्नों के उत्तर आपको तैयार करना है जो आपकी एन एस परीक्षा होने वाली है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है चलिए देखते हैं आज सोमवार से एवं मंगलवार में जो हिंदी का था हिंदी के जो प्रश्न उन्हें देख लेते हैं तो इसका गद्यांश 420 गद्यांश क्या दिया है 420 उसके निर्देश दिए हैं पहले निर्देश पढ़ लेते हैं निम्नलिखित सूचना को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प पर गोला लगाइए सूचना क्या है देखिए सूचना विद्यालय पत्रिका नटखट का, का प्रकाशन सूचना क्या है विद्यालय पत्रिका नटखट का, का प्रकाशन क्या आप पत्रिका के अंश में स्वयं का फोटो देखना चाहते हैं इस पत्रिका में विद्यार्थी को स्वचित रचनाओं या चित्रों को स्थान दिया जाएगा आज ही स्वयं की प्रकाशित रचनाएं और चित्र अपने कक्षा शिक्षक को दीजिए उत्कृष्ट चित्र को पत्रिका के मुख्य प्रश्न पर प्रकाशित किया जाएगा उत्कृष्ट रचनाओं को पुरस्कृत किया जाएगा नोट अपनी फोटो और रचनाओं के साथ अपना नाम उम्र कक्षा अवश्य लिखें तो बच्चों ये आपने इस सूचना को ध्यानपूर्वक पूरा पढ़ लीजिए इस सूचना को पढ़ने के बाद आपको इस से संबंधित पाँच प्रश्न दिए प्रश्नों के उत्तर देना है चलिए प्रश्न नंबर एक क्या कह रहा है दी गई सूचना किसके विषय में है ए नंबर रचना लेखन के बारे में बी नंबर पत्रिका प्रकाशन के बारे में सी नंबर चित्र बनाने के बारे में और डी नंबर कहानी बनाने के बारे में तो ये जो सूचना है किसके बारे में है तो इसका सही आंसर क्या होगा आपको यहाँ से पढ़िए विद्यालय पत्रिका नटखट का प्रकाशन तो ये क्या है पत्रिका प्रकाशन के बारे में तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर दो नटखट का अर्थ है नट खट का अर्थ है ए नंबर हसमुख बी नंबर चंचल सी नंबर भोला और डी नंबर सीधा तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर चंचल नटखट का अर्थ क्या है चंचल तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा नेक्स्ट अगला प्रश्न है सूचना के अनुसार रचनाएं कैसी होना चाहिए सूचना के आधार पर रचनाएं कैसी होना चाहिए ए नंबर रचनाएं स्वरचित रचित हो बी नंबर रचनाएं नकल की गई हों सी नंबर रचनाएं प्रकाशित हों और डी नंबर रचनाएं मित्रों की हो तो यहाँ पर देखिए पत्रिका में विद्यार्थियों की रचित रचनाएं, स्व शौर, यानी स्वयं द्वारा रची गई रचनाएं होना चाहिए कह रहा है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर रचना इसका ए नंबर रचित हो रचनाएँ रचित हो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर चार मुख्य प्रश्न पर प्रकाशित किया जाएगा ए नंबर विद्यालय का चित्र बी नंबर उत्कृष्ट विद्यार्थी का चित्र सी नंबर उत्कृष्ट रचना और डी नंबर उत्कृष्ट चित्र तो बताइए सही आंसर क्या होगा तो अब इस प्रश्न उत्तर तो कहां देखेंगे हम इसी जो सूचना इसमें देखेंगे क्या कह रहा है उत्कृष्ट चित्र को पत्रिका के मुख्य प्रश्न पर प्रकाशित किया जाएगा तो यहाँ पे आपके आंसर में क्या जाएगा इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा उत्कृष्ट चित्र को मुख्य प्रश्न पर प्रकाशित किया जाएगा तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही है नेक्स्ट प्रश्न आपका प्रश्न नंबर पांच रचनाएं किसके पास जमा करना है ए नंबर प्रधान अध्यापक के पास बी नंबर प्राचार्य के पास सी नंबर कक्षा शिक्षक के पास डी नंबर मॉनिटर के पास तो बताइए रचनाएं किसके पास जमा करना है तो इसको भी आप कहाँ देखेंगे आपके ये ये सूचना इसको पढ़ना है पढ़ने के बाद बताना है कि रचनाएँ वो कहाँ जमा करना है तो यहाँ पर दिया है देखिए आज ही स्वयं की प्रकाशित रचनाएं और चित्र अपने कक्षा शिक्षक को दीजिए किसके पास जमा करना है कक्षा शिक्षक के पास तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर कक्षा शिक्षक के पास रचनाएं जमा करना है तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा इस प्रकार से बच्चों आपका जो गद्यांश चार सौ बीस था जिसमें सूचना दी गई थी उसके पाँच प्रश्न थे वो पाँचों प्रश्न आपको बताए इसके बाद नेक्स्ट आपका गद्यांश चार सौ बाईस आएगा जिसमें निर्देश दिए चलिए निर्देश क्या है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प पर गोला लगाइए देखिए माटी तुझे प्रणाम मेरे पुण्य देश की माटी तू कितनी अभिराम तुझे लगा माथे से सारे कष्ट हो गए दूर छरभ में भी भूल गया मैं शत्रु यंत्रणा सुख स्फूर्ति का इस काया में हुआ पुनः संचार लगता है जैसे आज युगों के बाद मिला विश्राम माटी तुझे प्रणाम गद्यांश दिया है इस गांश को आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद जो नीचे प्रश्न दिए उन प्रश्नों को उत्तर देना है इसका प्रश्न नंबर है माटी तुझे प्रणाम कविता किस भाव से संबंधित है ए नंबर 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 समाज प्रेम से 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 बी आत्म बलिदान सी मातृभूमि और डी भक्ति भावना तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा माटी तुझे प्रणाम कविता किस भाव से संबंधित है तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर मातृभूमि प्रेम से इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न नंबर दो माटी को माथे से लगाकर कवि का क्या भूल गया माटे को माटी को माथे से लगाकर कवि क्या भूल गया है ए नंबर शारीरिक शोक बी नंबर देश के प्रति प्रेम सी नंबर वियोग पीड़ा और डी नंबर शत्रु के लिए कष्ट तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर शत्रु के लिए कष्ट नेक्स्ट अगला प्रश्न है इसका प्रश्न नंबर तीन अभिराम का अर्थ क्या है प्रश्न क्या है आपका प्रश्न नंबर तीन है अविराम का अर्थ क्या है ए नंबर श्रीराम बी नंबर उपनाम सी नंबर भयानक और डी नंबर मोहक तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर मोहक नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर चार नीचे दिए गए शब्दों में योजक चिन्ह ये कौन सा चिन्ह है आपका योजक चिन्ह किन शब्दों के बीच प्रयोग किया जाएगा जैसे ए नंबर आ गया बी नंबर आते आते सी नंबर आ रहा और डी नंबर आने दो तो आपको ये जो योजक चिन्ह है योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ करेंगे बताइए यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि योजक चिन्ह कहाँ प्रयोग किया जाता है योजक चिन्ह का वही प्रयोग किया जाता है जो एक शब्द बार बार आया एक से अधिक बार आया जैसे आते आते तो ये आते आते में हम यहाँ पे इन दोनों के बीच में किसका प्रयोग करेंगे योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे इसलिए इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर आते आते अगला प्रश्न है कविता में माटी का संबंध किससे है ए नंबर घर से बी नंबर खेत से सी नंबर गली से और डी नंबर स्वदेश से प्रश्न है आपका कविता में माटी का संबंध किससे है बताइए कविता में माटी का संबंध किससे है घर से है खेत से है गली से स्वदेश्य है तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर स्वदेश्य है इस प्रकार से बच्चों आपको जो आपका सप्ताह कौन सा था तेरवा सप्ताह तेरवा सप्ताह के कौन से सोमवार और जो आपका मंगलवार दिन के जो विषय हिंदी थे हिंदी के जो आपको गद्यांश चार सौ बीस और चार सौ बाईस के प्रश्नों के उत्तर बताए और इसको इसकी तैयारी आपको करते रहना है क्योंकि यहीं से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे इसके बाद आपका तेरवा सप्ताह जो तेईस सितंबर से अट्ठाईस सितंबर तक रहेगा उसका विषय कौन सा लेके आए गणित आया है और गणित कब करना है बुधवार एवं गुरुवार को और किस कालखंड में करना है प्रथम एवं द्वितीय कालखंड और कौन से प्रश्न करना है प्रश्न आठ चौदह चौबीस एक सौ इकसठ एक सौ सड़सठ एक सौ अड़सठ एक सौ चालीस एक सौ उनचास एक सौ सत्रह और एक सौ इक्कीस इन प्रश्नों को आपको हल करना है किसके गणित के बुधवार एवं गुरुवार सप्ताह तेरवा में और ये प्रश्न आपको कहाँ मिलेंगे जो राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी ओलंपियाड बुक है उस बुक में ये प्रश्न प्रश्न आपको मिलेंगे तो चलिए देखते हैं यदि आपके पास ओलंपियाड की बुक नहीं है बहुत से स्कूलों में ओलंपियाड की बुकें नहीं मिली हैं यदि जिस स्कूल में ओलंपियाड की बुक नहीं मिली तो इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं बच्चों को नहीं मिली तो बच्चे इससे देख के अपनी तैयारी कर सकते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं विषय क्या रहेगा गणित तो दिन कौन सा रहेगा बुधवार एवं गुरुवार और किस कालखंड में करना है कालखंड प्रथम और द्वितीय चलिए प्रश्न नंबर आठ दो सौ एक सौ नब्बे एक सौ अस्सी और फिर यहाँ पे आपको ये खालिस्तान दिया है इसी क्रम की अगली ये अगल लिखा है इसको क्या पढ़ेंगे आप अगली संख्या है ए नंबर 200 बी नंबर 170 सी नंबर 180 डी नंबर 190 अब देखिए 200 के बाद कितना 190 आया तो यहाँ पे 200 से 190 कम हुआ कितना कम हो गया 10 कम हुआ फिर 190 में से आप सौ अस्सी एक सौ अस्सी में से दस घटाए तो एक अब 180 से दस कम कर दीजिए तो अगला तो तो प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर चौदह एक जंगल में सत्ताईस खरगोश तथा अड़तालीस गिलहरी हैं दोनों की कुल संख्या कितनी है अब इस प्रश्न को कैसे करेंगे बच्चों आपको क्या कह रहा है जंगल में एक जंगल में कितने खरगोश हैं देखिए सत्ताईस खरगोश हैं और अड़तालीस गिलहरी हैं तो दोनों की कुल संख्या कितनी होगी जब दोनों की आपको कुल संख्या ज्ञात करना तो क्या करेंगे दोनों को जोड़ेंगे कैसे जोड़ेंगे पहले आप सत्ताईस लिख दीजिए फिर अड़तालीस कक्षा तीसरे के बच्चे हैं अब उन्हें मौखिक जोड़ते नहीं आ रहा है तो वो क्या करेंगे पहले सात लाइन खींच लेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात कितना जोड़ना है इसमें आठ तो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ अब इसको गिन लीजिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह कितना आया ये पंद्रह आया अब पंद्रह में जो इकाई का पाँच है इसको इकाई के नीचे लिख दीजिए ये पाँच और जो दहाई के ऊपर एक जो हसलाई का बचा हुआ एक लिख दीजिए अब क्या करेंगे एक में दो जोड़ोगे कितना होगा तीन और तीन में चार जोड़ के देखिए तीन में चार जोड़ेंगे तो चार पाँच छः सात में चार जोड़े कितना हो गया सात यहाँ पर क्या हो गया सात जब आपने सत्ताइस में अड़तालीस को जोड़े तो कितना आया पचहत्तर अब यहां पर दिया है क्या ए नंबर पचहत्तर नेक्स्ट चलिए आगे देखते हैं अगला अगला प्रश्न क्या है आपका प्रश्न नंबर चौबीस चित्र में प्रत्येक पंक्ति में पांच फूल हैं प्रत्येक पंक्ति में कितने फूल हैं ये पंक्ति हो गई पांच फूल हैं तो गुणन के तथ्य के आधार पर कुल फूलों की संख्या कितनी है प्रत्येक पंक्ति में पंक्तियों की संख्या कितनी है छ है और फूल कितने हैं पाँच तो पंक्ति गिन लीजिए गुणे पाँच तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा इसका सी नंबर जितनी पंक्ति है उसमें फूलों का गुणा कर देंगे तो आपको मालूम हो जाएगा इसका फूलों की संख्या होगी तो ये छः गुणे पाँच इसका सी नंबर का ऑप्शन सही है नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर एक एक गेंद की कीमत पंद्रह है तो नीचे दी गई गेंदों की कुल कीमत होगी देखिए बच्चों इसमें क्या कह रहा है एक गे, एक गेंद की कीमत कितनी है पंद्रह रुपये और नीचे कितनी गेंद है आप पहले गिन लो एक दो तीन चार पाँच छः कितनी गेंद है छः गेंद है जब आपको कह रहा है एक गेंद की कीमत एक गेंद की कीमत कितनी है पंद्रह रुपये तो कितनी गेंद है अपने पास छः गेंद तो छः गेंद की कीमत कैसे निकालेंगे हम ये पंद्रह में छः का गुणा करेंगे अब पंद्रह का में छः का गुणा करो तो चलो छः का पांचवों गुलाकी छः पंचे तीस की शून्य हासिल का तीन छह कम छः और तीन छः में तीन जोड़ो कितना हो गया नौ तो कितना आ गया नब्बे तो पंद्रह छक्के नब्बे जब आपको किसी भी एक एक वस्तु का मूल्य मालूम है तो आप अनेक वस्तुओं का मूल्य आसानी से निकाल सकते हो जैसे एक गेंद का मूल्य पंद्रह रुपये है तो छह गेंद का तो पंद्रह छक्के नब्बे रुपये तो यहाँ चार ऑप्शन दिए हैं चार ऑप्शन में देखिए कि नब्बे है क्या हाँ इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा ये नब्बे रुपये अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर एक सौ इक्कीस है राजू छब्बीस ट्रॉफियों को नौ डिब्बों में बराबर बांटता है तो प्रत्येक डिब्बे में कितनी ट्रॉफिया होगी देखिए यहां पर बराबर भागों में बांटना है कितनी ट्रॉफियों को छत्तीस ट्रॉफियों को नौ डिब्बों में तो हम क्या करेंगे छत्तीस में छत्तीस में किसका भाग दे देंगे नौ का भाग देंगे हमें नौ का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि छत्तीस से ना बढ़े नौ का नौ नौ दूनी अठारह नौतीस सत्ताईस नौ छत्तीस नौपना पैंतालीस नौ चीन चौवन तो देखो नौ कम नौ नौ दूनी अठारह नौ तीस, सत्ताईस, नौ चौके छत्तीस और नौ पना पैंतालीस तो पांच बार में बढ़ जाता है और चार बार में क्या आ रहा है छत्तीस और चार ये लिख दी हमने और छत्तीस को उसके नीचे लिख देंगे और घटा दीजिए क्या हो गया शून्य अब कितने बार गया भाग चार बार चो के छत्तीस तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर का यानी प्रत्येक डिब्बे में कितनी ट्रॉफिया होंगी प्रत्येक डिब्बे में चार ट्रॉफिया होंगी ये आपका प्रश्न नंबर एक सौ हुआ इसके बाद नेक्स्ट है अगला प्रश्न प्रश्न नंबर एक चित्र में कौन सी वस्तु तीन सेंटीमीटर से लंबी है ये आपको एक चित्र दिख रहा है इस चित्र में छाता दिया है पेंसिल और कंगा दिया है और यहाँ कुछ मकान दिए हैं और कह रहा है चित्र में कौन सी वस्तु तीन सेंटीमीटर से लंबी है देखिए यहां से सुने से स्टार्ट हुए सुने से यहां पे आए तो क्या हुआ ये एक सेंटीमीटर यहाँ यहां पे जाने के बाद ये दो सेंटीमीटर है ये तीन सेंटीमीटर ये चार सेंटीमीटर और ये पांच सेंटीमीटर और ये तीन सेंटीमीटर से लंबी कौन-कौन सी आप देख सकते हैं ये, ये है? तो पत्ती कंगा, कंगा तो ये छाता और पेंसिल क्या है तीन सेंटीमीटर से लंबी है इसलिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा बी नंबर छाता पेंसिल अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर एक क्या कह रहा है इसमें घड़ी देखकर समय बताइए इस घड़ी को देखना है और आपको समय बताना है ये बड़ा ये बड़ा काटा है और ये छोटा काटा है तो आपको यहां पे देखिए बड़ा काटा किस पे है छह पे है और छोटा काटा तीन और चार के बीच में है तो आप कितने हो जाएंगे तीन बज के साढ़े तीन बज रहा है तीन बज के तीस मिनट तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर तीन तीस बजे इसका ए नंबर का ऑप्शन सही है इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर एक प्रश्न नंबर एक क्या कह रहा है सौ ग्राम के कितने बाटों का वजन मिलकर पाँच सौ ग्राम होगा ये देखिए सौ ग्राम के कितने बाट मिलेंगे तो कितने पाँच सौ ग्राम पांच बार करना है तो सौ ग्राम एक फिर दो फिर तीन फिर चार फिर पांच पांच बार सौ 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 ग्राम के बाट ले लिए और इनको हम जोड़ देंगे सौ में सौ जोड़े तो कितना हो गया दो सौ में सौ जोड़े तीन सौ में सौ जोड़े चार सौ में सौ जोड़े कितना हो गया पाँच तो पाँच सौ ग्राम हो गया यानी कितने वाटों को सौ सौ के पाँच वाट होंगे तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा सौ सौ के बाट वाल, वाट वाले पाँच वाट कहाँ पे हैं एक दो तीन चार ये पाँच वाट दिए हैं तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर इसका सही ऑप्शन आंसर कौन सा होगा बी नंबर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर एक प्रश्न नंबर एक में क्या दिया देखिए प्रश्न नंबर एक दे रहा है नीचे अक्टूबर दो का कैलेंडर दिया गया है कैलेंडर को ध्यान से देखिए आप इस कैलेंडर को पूरा देख लीजिए एक तारीख से इकतीस तारीख तक दिया है सोमवार रविवार में एक तारीख आठ तारीख पंद्रह तारीख बाईस तारीख उनतीस तारीख है सोमवार में दो नौ सोलह तेईस तीस मंगलवार में तीन दस सत्रह चौबीस इकतीस बुधवार में चार ग्यारह अठारह चौबीस ये तारीखें दी गई हैं और नीचे ये प्रश्न दिया है इस प्रश्न का उत्तर देना है अक्टूबर दो के पहले रविवार की कौन सी तारीख है अक्टूबर दो ये कैलेंडर कब का है अक्टूबर दो के पहले रविवार पहले रविवार

और इस प्रश्न के साथ जो गणित के प्रश्न थे वह कंप्लीट हुए इसके बाद आपका वही तेरहवा सप्ताह का दिन कौन सा आएगा शुक्रवार एवं शनिवार में जो आपका पर्यावरण अध्ययन रहेगा और इस पर्यावरण अध्ययन का भी अध्ययन आपको कब कराना है प्रथम और द्वितीय कालखंड में और कौन कौन से प्रश्न कराना है उन्यासी अठासी एक सौ तीन एक सौ चार एक सौ छः एक सौ सात एक सौ इक्कीस एक सौ बयालीस एक सौ बावन और एक सौ पचपन तो चलिए देखते हैं पर्यावरण अध्ययन के प्रश्नों को प्रश्न नंबर उन्यासी किस चीज को खरीदने के लिए लीटर का उपयोग सबसे उपयुक्त होगा क्या कह रहा है किस चीज को खरीदने के लिए लीटर का उपयोग सबसे उपयुक्त होगा ए नंबर आलू बी नंबर पेन सी नंबर दूध और डी नंबर कॉपी तो लीटर का उपयोग किसके लिए करेंगे दूध के लिए तो इसका सही आंसर आएगा सी नंबर दूध अगला प्रश्न है छः माह से एक वर्ष की आयु के बच्चों को खाने में क्या दिया जाना चाहिए ए नंबर केवल रोटी बी नंबर केवल दूध सी नंबर रोटी सब्जी और डी नंबर दाल चावल दूध सब्जी तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर दाल चावल दूध सब्जी छः माह से एक वर्ष की आयु के बच्चों को खाने में दूध चावल सब्जी और दाल देना चाहिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर एक सौ तीन पुराने समय में स्टील लोहा कांच के बर्तन नहीं हुआ करते थे तब लोग खाना बनाया करते थे ए नंबर लोहे के बर्तन में बी नंबर कांच के बर्तन में सी नंबर प्लास्टिक के बर्तन में डी नंबर मिट्टी के बर्तन में तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर मिट्टी के बर्तन में नेक्स्ट प्रश्न ने है आपका प्रश्न नंबर एक सौ चार आपके रसोई घर में कई तरह के बर्तन होते हैं पर्यावरण और स्वास्थ्य की दृष्टि से किस तरह के बर्तन अच्छे होते हैं ए नंबर मिट्टी के बी नंबर नंबर प्लास्टिक के, number, के सी कांच और डी नंबर स्टील के तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर मिट्टी के नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर एक छः आप अपने पिताजी के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं अचानक आपके पा आपके पापा को यातायात संकेत पर लाल बत्ती दिखाई देती है पापा को क्या करना चाहिए ए नंबर चलते रहना चाहिए बी नंबर बाइक रोक देनी चाहिए सी नंबर अधिक गति से बाइक चलाना चाहिए और डी नंबर कम गति से बाइक चलाना चाहिए तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर बाइक को रोक देनी चाहिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर एक आपने एक कुत्ता पाला है कुत्ते से सावधान रहने की सूचना आप कैसे दोगे ए नंबर <coughs> सबको फोन कर बी नंबर सामने सूचना बोर्ड लगाकर सी नंबर सबको पत्र लिखकर डी नंबर गार्ड को खड़ा करके तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए आपने एक कुत्ता पाला है कुत्ते से सावधान रहने की सूचना आप कैसे दोगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर सामने सूचना बोर्ड लगाकर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर एक जब रोहित की दादी उससे मिलने आई तो उन्होंने उसे बताया कि उनके समय में खाना लकड़ी व उपलों के द्वारा बनाया जाता था उपले मीन्स जो गोबर के कंडे होते हैं जो उससे गोबर से बनाए जाते हैं वो उपले कहलाते हैं के द्वारा बनाया जाता था यह वस्तु किस साधन में उपयोग होती है ए नंबर गैस बी नंबर हीटर सी नंबर चूल्हा डी नंबर स्टोव तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर चूल्हा इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न ने है आपका प्रश्न नंबर एक प्रश्न नंबर एक क्या कह रहा है आपके स्कूल जाने के रास्ते में एक सार्वजनिक नल है उससे दिन भर पानी बहता रहता है उसे देखकर आप क्या करोगे तो बताइए सही आंसर क्या होगा इसका ए नंबर नल को बंद करके टोटी खरीदने बाजार जाएंगे बी नंबर ग्राम पंचायत में सूचना देकर टोटी लगाने को कहेंगे सी नंबर देख आगे बढ़ जाएंगे डी नंबर अपने साथी को इंतजार करेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर ग्राम पंचायत में सूचना देकर टोटी लगाने को कहेंगे इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर एक साधना उदास है वह अपने घर का रास्ता भूल गई है पेड़ के नीचे बैठकर सोच रही है किस तरह जाऊं आप उसे घर जाने के लिए किस किस तरह जाने का सुझाव देंगे देखिए यह एक साधना नाम की लड़की है वह अपने घर का रास्ता भूल गई है अब उसे अपने घर जाना है तो वह किस तरह किस तरफ जाने का सुझाव देंगे उसे ए नंबर दाएं तरफ बी नंबर बाएं तरफ सी नंबर नीचे की तरफ और डी नंबर ऊपर की तरफ देखिए अब ये साधना यहाँ पे इसके दाएं तरफ बाएं तरफ तो क्या हो गया विद्यालय और क्या दिया है मंदिर दिया हुआ है और उत्तर में ऊपर की ओर एक सूरज दिया हुआ है और नीचे उसका मकान है तो उसे किस तरफ जाने के सुझाव देंगे हम तो उसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर नीचे की तरफ क्योंकि वो नीचे की तरफ जाएगी तभी अपने घर पहुंच पाएगी इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है चित्र को देखिए नीचे दक्षिण दिशा है तो उत्तर दिशा किस ओर होगी देखिए यहाँ पे नीचे की ओर क्या है दक्षिण दिशा है तो ऊपर की ओर कौन सी दिशा होती है उत्तर दिशा होती है तो यहाँ पे इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर ऊपर नेक्स्ट प्रश्न है आपके घर में यदि कोई सदस्य बीमार हो जाए तो उसे क्या खिलाएंगे ए नंबर नंबर दलिया बी मसालेदार सब्जी सी नंबर नंबर मावे की मिठाई डी तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर दलिया इस प्रकार से बच्चों आपको एनएस कक्षा तीसरी जो एन का कौन सा सप्ताह सप्ताह तेरवा के जो प्रश्न दिए गए थे विषय कौन कौन से थे आपके हिंदी गणित और पर्यावरण के से संबंधित प्रश्नों को समझाए और ये आपके तेरहवें सप्ताह के प्रश्न थे और जो आपके नेक्स्ट परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है यदि ये प्रश्न आपको अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य रूप में शेयर जरूर कीजिए